बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 10.1 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जो चैप्टर है हमारा वो सर्कल यानी वृत्त। और वृत्त के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो इस पार्ट में जो फर्स्ट लेक्चर है 10.1 उसमें हम लोग इससे रिलेटेड मतलब वृत्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो कवर करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो 10.2 होगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कुछ टर्म्स को, रेडियस, डायमीटर और कोर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट होता है सर्किल के लिए। तो सर्किल को पहले समझते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त बेसिकली अगर बोला जाए तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। मतलब इसका इस कंस्ट्रक्शन के किसी भी पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो दैट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज सेम। ये कोई सा भी डिस्टेंस ले लीजिए, वो सारा डिस्टेंस अगर सेम होगा तो उसी को हम लोग सर्किल बोलते हैं। और इसी डिस्टेंस को, जो सेम डिस्टेंस हर जगह मिल रहा है, इसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस आर से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ चुके हैं कि त्रिज्या क्या होता है। अब समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है, मतलब व्यास क्या होता है। तो किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब सेंटर से पास होने वाला जो, अगर त्रिज्या को अगर हम लोग वापस दूसरे साइड तक मिला दें तो ये पूरा कंप्लीट जो डिस्टेंस, कंप्लीट जो लेंथ होगा उसी को हम लोग पूरे कंप्लीट लेंथ को, मतलब ये अगर ए ओ और ये बी है तो ये जो कंप्लीट ए बी है यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ए बी, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं बेसिकली व्यास। इसी लेंथ को हम लोग व्यास बोलते हैं यानी डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ ये क्लियर हो गया कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है। अगर इसी डायग्राम में हम लोग बात करें कि व्यास और त्रिज्या कौन सा है, तो त्रिज्या जो है वो OB है, OB एक त्रिज्या है, OA एक त्रिज्या है, जबकि AB जो है वो क्या है, व्यास है। तो AB इज़ व्यास यानी डायमीटर और OB और OA जो है वो त्रिज्या है यानी रेडियस है। ये तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा। एक रिलेशन त्रिज्या और डायमीटर में ये होता है, जनरली हम लोग डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को आर से, आर फॉर रेडियस, डायमीटर डी जिसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो जो डायमीटर और त्रिज्या में जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, OB और OA चूंकि इक्वल है, दोनों ही त्रिज्या है, और पूरा AB जो व्यास है तो पूरा जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या है, डबल है, दो गुना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें AB का, मतलब ये जो डायमीटर है वो डबल हो जाएगा रेडियस का, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R। डायमीटर मतलब व्यास जो हो जाएगा वो त्रिज्या का दो गुना होता है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो क्या है, कोर्ड यानी जीवा। तो जीवा क्या होता है, कोर्ड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अगर किसी वृत्त की हम बात कर रहे हैं तो वृत्त में किसी भी दो बिंदु को ले लेते हैं, इस कंस्ट्रक्शन में कहीं से भी दो बिंदु को उठा लीजिए और उन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, मिलाने पर जो लेंथ मिलेगा, जो भी लेंथ मिलेगा, ये ए बी हमारा कहला जाएगा क्या, जीवा यानी कोर्ड, ये कोर्ड होगा। ठीक है, कहीं से भी, कहीं का भी, कोई और भी ले सकते हैं हम लोग, पी क्यू भी ले सकते हैं, एम एन भी ले सकते हैं, एनीथिंग, किसी भी दो पॉइंट को लीजिए और मिला दीजिए, वो एक जीवा कहला जाएगा। क्या व्यास हमारा एक जीवा है, क्या व्यास हमारा एक जीवा है, जो व्यास हम लोग ड्रॉ करते हैं मतलब जो सेंटर से पास होता है, केंद्र से पास होता है, क्या वो एक जीवा है, बिल्कुल जीवा है वो, क्योंकि वो भी तो वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिला रही है रेखा। ठीक है, तो वह भी एक जीवा है, बस ये ध्यान रखना है कि वो जीवा का जो लेंथ है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जीवा जो है वो क्या कहला जाता है, हम लोगों का व्यास कहला जाता है। मतलब द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोर्ड या मैक्सिमम पॉसिबल कोर्ड जो है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोर्ड इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, यानी किसी भी जीवा का, मतलब किसी भी वृत्त के अंदर जीवा का जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई हो सकता है वह कितना के इक्वल होगा, उसके व्यास के इक्वल होगा, क्योंकि व्यास से तो फिर बड़ा हम लोग ड्रॉ ही नहीं कर सकते, व्यास तो एकदम सेंटर में होता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया तो वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया और उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। और कोर जो होगा वो बाकी सभी जो जीवा होंगे वो सब उससे छोटे होंगे, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ हो सकता है, वो हमारा डायमीटर यानी व्यास कहलाएगा। तो यहाँ
यहाँ से ये भी क्लियर हो गया डायमीटर क्या होता है और कोण क्या होता है, ठीक है। तो रेडियस, डायमीटर और कोण हम लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक है सर्कमफेरेंस और एरिया। सर्कमफेरेंस यानी परिधि, परिधि किसी वृत्त की क्या होती है वो समझते हैं। परिमिति भी बोला जाता है कई बार इसे। तो वृत्त की परिमिति का मतलब हुआ, या परिधि या सर्कमफेरेंस का मतलब ये हुआ कि वृत्त का कंप्लीट लेंथ, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो ये पॉइंट से ले करके वापस यहीं तक जब तक ना पहुंच जाएं, ये पूरे लेंथ को अगर मेजरमेंट कर दें एक टेप मीटर या फिर जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, लंबाई को मापने के लिए, उसका यूज़ करके अगर हम इसको कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मेज़र कर लें तो वो जो दूरी कहला जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वही हम उसको बोलते हैं परिधि या परिमिति या सर्कमफेरेंस इंग्लिश में बोला जाता है। तो उस परिमिति का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें और इस पॉइंट पर वापस जाके ख़त्म करें तो परिमिति का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो होता है इक्वल टू पाई आर, टू पाई आर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टू पाई आर, जो आर जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और टू पाई, पाई का जो वैल्यू है वो हम लोग कई बार 22/7 या फिर 3.14, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जो कि फिक्स होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट आर का वैल्यू अगर 7 का मल्टीपल में रहा तो हम लोग काफ़ी आसानी से 22/7 ले लेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। और अगर आर का मल्टीपल 7 में नहीं, आर का वैल्यू 7 के मल्टीपल में नहीं रहा, तब हम लोग ऐसे ही 3.14 रख करके इसको सॉल्व करके गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि किसी भी वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है, परिमिति का फॉर्मूला जो है वो है 2πr। तो सर्कमफेरेंस हम लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। तो इसी वृत्त की अगर बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये पूरा एरिया जो इसके अंदर जो कवर हो रहा है उस पूरे एरिया, मतलब पूरे क्षेत्र का जो एक तरह से रिजल्ट हुआ वो क्षेत्रफल कहला जाएगा। मतलब अगर हम लोग किसी एक वृत्ताकार क्षेत्र को अगर फेंसिंग करने की बात करें, मतलब उसको घेरने की बात करें, तो परिधि हम लोगों का काम करेगा। और किसी वृत्ताकार क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग घास उगाने की बात करें या पूरी तरह से प्लास्टर करने की बात करें, मतलब पूरे क्षेत्र में जब काम करना हो तो उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला जो होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं हम लोग, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर से पाई आ गया, पाई का वैल्यू फिर से रिमाइंड करा दूँ, 22/7 हो सकता है या 3.14। क्वेश्चन के हिसाब से जो कैलकुलेशन आपको आसान लगे, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है। आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि क्षेत्रफल दिया रहे, आर पूछा जाए, तो उस टाइम भी आप ध्यान में रखें इसको कि पाई का वैल्यू, ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अगर ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में तब तक। अगर क्वेश्चन में दे ही दिया है पाई का वैल्यू कि यही 22/7 ही यूज़ करना, तो वही यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल ये दोनों टॉपिक सब हम लोग कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, सेगमेंट, सेक्टर एंड आर्क। सेगमेंट, सेक्टर एंड आर्क। सेगमेंट बेसिकली वृत्तखंड कहलाता है, सेक्टर त्रिज्यखंड, और आर्क को बोलते हैं चाप। पहले समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो सेगमेंट, सेक्टर एंड आर्क देखते हैं क्या होता है। ये वृत्त है हमारा, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले सेगमेंट की बात करते हैं, तो वृत्त की अगर हम लोग जीवा ड्रॉ करते हैं, मतलब कोई कोण ड्रॉ किया हमने, तो कोण क्या है, वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। ये कोण जो है वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। ये वाला जो वृत्त का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और इसका जो अपोजिट वाला है, जो छोटा पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त खंड। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि सेगमेंट बेसिकली क्या होता है। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो पार्ट में खंडित करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो दोनों पार्ट है वो एक तरह से वृत्त का खंड हुआ, उसी को इंग्लिश में हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट में दो टाइप के सेगमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर वृत्त की जीवा की बात करें तो एक पार्ट छोटा होगा, एक पार्ट बड़ा होगा। अगर जीवा व्यास हो जाए तब तो खैर दोनों बराबर बराबर होंगे, तब उसके केस में हम लोग अर्धवृत्त बोल देंगे उसको, क्योंकि हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा। तो अर्धवृत्त वाला तो केस है नहीं, ये है एक पार्ट छोटा है दूसरा पार्ट बड़ा है। तो जो बड़ा वाला है उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे और जो छोटा वाला है उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, मतलब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट सेक्टर यानी त्रिज्यखंड।
तो त्रिजखंड यानी सेक्टर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने वृत्तखंड देखा, अब हम लोग देख रहे हैं त्रिजखंड। तो त्रिज्य नाम से ही स्पष्ट है कि हम लोगों को त्रिज्या ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम लोग कुछ रेडियस ड्रॉ करते हैं, ऐसा दो रेडियस ड्रॉ करते हैं। तो ये रेडियस ड्रॉ करने के बाद ये क्या होता है कि एक पार्ट जो है वो ये भी एक तरह से दो पार्टों में खंडित कर रहा है वृत्त को, एक ये पूरा बड़ा पार्ट है और एक छोटा सा पार्ट है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यानी दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिज्या का यूज करके, मतलब रेडियस का यूज करके भी वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड किया। जब हम लोग जीवा का यूज कर रहे थे तो वृत्तखंड बन रहा था, मतलब सेगमेंट बन रहा था। और जब हम लोग रेडियस का यूज किए तो हम लोगों ने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो एक हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, दूसरा हो गया लघु त्रिज्य खंड। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया त्रिज्य खंड भी। अब लास्ट इसमें टॉपिक देख लेते हैं आर्क यानी चाप। तो चाप क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो वृत्त का, जैसे वृत्त की हम लोग किसी भी जीवा की ही बात करेंगे या फिर कोई दो पॉइंट ही ले लेते हैं, दो पॉइंट को अगर हम लोग ले करके इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारा कहला जाएगा एक आर्क इसका, ठीक है। आर्क यानी चाप कहला जाएगा, आर्क यानी त्रिज्या का यूज करके हम लोग सेंटर पर अगर बात करें तो सेंटर पर एक कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो इसी एंगल पर ये डिपेंड करेगा कि इस चाप की लंबाई क्या होगी। समझ लेते हैं कि ये जो वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और चाप जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा यानी सेगमेंट, सेक्टर और आर्क से रिलेटेड, इससे कौन कौन से फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेक्टर के लिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्टर यानी त्रिज्यखंड की जो बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो ये हमारा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में हम लोग देख चुके हैं कि इसको लघु त्रिज्यखंड और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, मतलब माइनर सेक्टर, और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया पता करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल पता करना है लघु त्रिज्यखंड का। ये इसी तरह से दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। पूरे वृत्त का तो क्षेत्रफल हम लोगों को पता है ही, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर। और एक और चीज़ पता है पूरे वृत्त के लिए हम लोगों को कि पूरे वृत्त में जो यहाँ पर एंगल जो बनता है, टोटल एंगल जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री, ठीक है। पूरा वृत्त अगर हम लोग ग्राउंड घूम जाए, आपको याद होगा जो आप यूज़ करते हैं एंगल बनाने के लिए कंपास, तो उस पर 180 डिग्री डिनोटेड रहता है, ठीक है। तो उस वैसा वैसा दो पार्ट अगर हम लोग जोड़ दें तो 180 और 180 मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बेसिकली। खैर उसकी तो बात ना करें, सिंपल बात भी करें तो एक कंप्लीट साइकिल अगर कवर करते हैं हम लोग, पूरा सर्किल बनाते हैं, तो जो टोटल एंगल होगा वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अब 360 डिग्री में से जितना एंगल यहाँ पर बना, सपोज अगर मैं बात करूँ तो पूरा तो पता चल गया कि पूरा 360 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल बना उसको मान लेता हूँ कि वो है थीटा, ठीक है। इस पॉइंट पर या इस त्रिज्यखंड पे जितना एंगल बनता है, इस सेक्टर पे जितना एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा है और पूरा जो एंगल है उन लोगों का कितना है, 360 डिग्री है। तो जिस रेशियो में ये एंगल का रेशियो है, मतलब थीटा 360 का रेशियो है, उसी रेशियो में इसका पूरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ये क्षेत्रफल होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बटा 360 डिग्री, देखिए थीटा किसके क्षेत्र को दिखा रहा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर बोले तो हम लोग माइनर सेक्टर की ही बात करें, अगर सिंपल सेक्टर लिखा हुआ मतलब समझिए माइनर सेक्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर लघु त्रिज्यखंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सर्किल यानी पूरा वृत्त, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो इस तरह से ये जो थीटा एंगल जितना बना रहा है ये सेक्टर, उस
सेक्टर का अगर हम लोगों को एरिया चाहिए, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का थीटा मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हम लोग सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला समझ चुके हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चाप का भी लेंथ बता दीजिए भाई। तो चाप मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क बना, उस आर्क का भी लेंथ बता दीजिए, ये आर्क का भी लेंथ बता दीजिए। तो अब देखिए, जब हम लोग क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्षेत्रफल को थीटा बाय 360 करना पड़ा। अब जब इस लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ जो है उसी रेशियो में होगा जिस हिसाब से, जैसे थीटा बाय 360 जो रेशियो है, वैसे ही ये लेंथ डिवाइडेड बाय पूरा कंप्लीट लेंथ होना चाहिए सर्किल का। तो पूरे सर्किल का कंप्लीट लेंथ मतलब सरकमफेरेंस। तो इस बार एरिया के जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो ये जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ कोर्ड का अगर फॉर्मूला हम लोग को निकालना रहे, तो वही काम करेंगे, थीटा बाय 360 डिग्री और इनटू इस बार क्या लेंगे, परिधि, क्योंकि परिधि पूरा लेंथ देता है, मतलब 2πr। तो इस तरह से एक फॉर्मूला ये मिल गया हमको चाप की लंबाई का, और एक फॉर्मूला ये मिल गया हमको एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो मिल गए। अब हमारा बच गया, मतलब ये दोनों के लिए तो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, अब हमारा बच गया सिर्फ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए वृत्तखंड कैसे मिलेगा, मतलब यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो ये एक लाइन खींच दिए। अब जैसे ही लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचते ही क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड हो जाएगा, मतलब माइनर सेगमेंट। और जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब इसके ऊपर का जो पार्ट है, वो हमारा सारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो भी इजी है, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को पता चल ही चुका है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर दें, तो हम लोगों को ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग वृत्तखंड यानी सेगमेंट का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसका फॉर्मूला की बात की जाए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो अगर हम लोग इसको ओ ए बी डिनोट कर दें, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओ ए बी सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें से माइनस कर देना है त्रिभुज ए ओ ए बी का एरिया, उसमें से त्रिभुज मतलब ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाल करके माइनस कर देना है, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाल करके माइनस कर देना है। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि सर्किल के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है सेकेंड और टेंजेंट, मतलब छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। आइए देखते हैं क्या होता है छेदक रेखा यानी सेकेंड और टेंजेंट। तो बेसिकली अगर बात की जाए, तो अगर किसी सर्किल से कोई लाइन कम्प्लीटली पास हो रहा है, इसका मतलब दो पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड यानी छेदक रेखा। और अगर जाहिर सी बात है इससे पास हो रहा है, इसीलिए इसको छेदक रेखा बोला गया, प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर कोई ऐसी रेखा, ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या यूं बोले कि टच करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, टेंजेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इजीली समझ लिया कि स्पर्श रेखा क्या होता है, ये वाला स्पर्श रेखा है और ये वाला जो लाइन है वो है छेदक रेखा। एक इम्पॉर्टेंट जो टेंजेंट के लिए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर किसी पॉइंट से हम लोग किसी सर्किल पे, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो ऑलवेज स्पर्श रेखा की जो दूरी होगी ये हमेशा इक्वल होगी। मान लेता हूँ ये पी पॉइंट है, ये ए और ये बी है, तो AP equals to BP होगा, राइट? तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर्किल से रिलेटेड इस क्लास में कवर किया।